हेलो एंड वेलकम बैक. दिस इज प्रज्ञा एंड आप देख रहे हो मास्टर क्लास. सो दिस इज चैप्टर 4 एंड इस चैप्टर में हम सीखने वाले हैं शेप के जो यूजेस होते हैं ना उसके बारे में. सो वीडियो को शुरू करने से पहले हमेशा की तरह वीडियो को लाइक कर लो, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को हिट कर लो और वीडियो को शुरू करते हैं. सो जैसा कि लास्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था लाइन के बारे में, तो लाइन जो है किस तरीके से आप यूज कर सकते हो वो सब आपने सीखा था. एंड लाइन से बनता है शेप. सो आपकी जो लाइन होती है उसको आप डिफरेंट डिफरेंट तरीके से यूज करके डिफरेंट डिफरेंट शेप बना सकते हो. फॉर एग्जांपल सर्कल बना सकते हो, स्क्वायर बना सकते हो, ट्रायंगल बना सकते हो एंड और भी बहुत सारे शेप बना सकते हो. बेसिकली जो शेप होते हैं ना वो होते हैं टू डायमेंशनल एरिया जो कि लाइन से बनते हैं और उनको आप हमेशा याद रख सकते हो. उनका एक नाम होता है, उनकी एक पहचान होती है जिनका आप डिफरेंट डिफरेंट जगह पे डिफरेंट डिफरेंट तरीके से यूज करते हो. एंड यस, जैसे कि मैंने आपको बताया कि बेसिक शेप के अलावा और भी बहुत सारे शेप होते हैं. और भी बहुत सारे शेप मतलब, जी हाँ, बेसिक शेप्स के अलावा बहुत सारे शेप्स होते हैं जिनको के हम ऑर्गेनिक शेप कहते हैं. सो बेसिक शेप जो हैं आप बचपन से देखते आते हो एंड ऑर्गेनिक शेप जो हैं वो दुनिया में उसके अलावा जितने भी शेप आप देखते हो वो सारे के सारे ऑर्गेनिक हो सकते हैं. वो कुछ भी हो सकता है, कुछ भी नया आप शेप बना दो वो सब के सब ऑर्गेनिक शेप है. सो बेसिक शेप तो वहीं के वहीं हैं, उनको हम चेंज नहीं कर सकते. बट ऑर्गेनिक शेप जो है वो हमारे हाथ में होता है. तो आपको जितनी भी क्रिएटिविटी दिखानी है ना, बेसिक शेप्स के बाद आप ऑर्गेनिक शेप्स का यूज कर सकते हो. सो शेप्स की ये जो दो कैटेगरीज है ना इनको हम अलग करते हैं और उसके बाद हम समझते हैं इनके बारे में डिटेल में. तो जो आपका बेसिक शेप यानी ज्योमेट्रिकल शेप होता है ना उनका एक फिक्स शेप होता है, एक फिक्स डायमेंशन होता है, एक फिक्स रेशियो होता है. बट जो ऑर्गेनिक शेप होते हैं उनमें कुछ भी फिक्स नहीं होता है, ये फ्री होता है. ये जैसे कि आप कोई चीज़ ड्रॉ करते हो ना बिल्कुल उसी तरीके से है. आप किसी भी तरह से कोई भी चीज़ ड्रॉ कर सकते हो और आप उसको एक शेप का नाम दे सकते हो. फॉर एग्ज़ाम्पल जब आप कोई इलस्ट्रेशन बनाते हो उसमें आप किस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट शेप्स का यूज़ कर सकते हो. आपने देखा कैसे कपड़ों में हम पैटर्न, सनग्लासेस, हेयर्स, लिप्स, हर जगह पे डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों का यूज़ कर रहे हैं. तो इसमें कुछ शेप जो हैं वो हैं बेसिक और कुछ ऑर्गेनिक हैं. जैसे कि आप देख सकते हैं कोई आइकन होता है, कोई साइन बोर्ड होता है या कोई मॉडर्न डिज़ाइन है, उन सारी चीज़ों में जो आप डिज़ाइन बनाते हो ना वहाँ पे इन दोनों टाइप के शेप्स का यूज़ बहुत ही अच्छे तरीके से होता है. या कोई आप ग्राफिक डिज़ाइन या वेब पेज बना रहे हो उसमें एरिया डिवाइड करने के काम आता है और उसके अंदर इलस्ट्रेशंस बनाने के काम आ सकता है. तो शेप का जो है ना आप बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से और बहुत ही क्रिएटिविटी के साथ यूज़ कर सकते हो. डिफरेंट डिफरेंट टोन यूज़ करके आप शेप को डिफाइन कर सकते हो. जैसे कि आप ये देख सकते हो कि यहाँ पे सीजर में किस तरीके से कलर्स को डिफरेंट डिफरेंट तरीके से एक के ऊपर एक ओवरलैप किया गया है जिससे अलग अलग टाइप के शेप बन रहे हैं. सो इस तरीके से आप शेप का बहुत अलग अलग तरीकों से यूज़ कर सकते हो और यही रीज़न है कि शेप जो है वो हमारी डिज़ाइन का इंपॉर्टेंट पार्ट है क्योंकि इसके बिना कोई डिज़ाइन नहीं बन सकती. सो आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, काफी हेल्पफुल लगी होगी. और अगर हेल्पफुल लगी तो शेयर कर दो, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, अगर अभी तक नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो. सब्सक्राइब करने के कोई पैसे नहीं लगते हैं और शेयर करने से लोगों का भला होगा, तो अच्छे काम करो. सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ, बाय बाय, टेक केयर.